देखिए आज हम यहाँ पर धारा का स्तंभ की प्रभाव पढ़ते हैं जब ना ध्यान रखिए जब किसी चालक कार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखिए अगर अपन किसी जैसे ये चालक ले लें वायर ले लें और इसमें धारा को प्रवाहित करें तो जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है इसको नोट लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से शो करते हैं। ठीक है ध्यान रखिएगा मान लीजिए मैंने एक चालक तार लिया यहां पर ध्यान रखिए मैंने एक ये चालक तार लिया और इस चालक तार में धारा आई यहां से शो होती है तो इसको हमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा कि बाहर इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं राइट हैंड थंब रूल लेता हूं। ठीक है ये मेरे पास कहलाता है राइट हैंड थंब रूल कहलाने लगता है। राइट हैंड थंब रूल में मेरे पास क्या होता है मान लो ठीक है ये चुंबकीय क्षेत्र ये थंब किसको शो करता है थंब या अंगूठा धारा की दिशा तो लंबवत हथेली की उंगली जो मुड़ी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। जैसे मैंने मान लो ये लिया
धारा की दिशा ये, और इसको हम अंदर साइड बेंड कर दें, तो याद याद रखिए अगर ये धारा जा रहा है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आता है, तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर हो जाता है। तो जब अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब अंदर की ओर होती है तो इसको हम कैसे शो करते हैं, क्रॉस से शो कर देते हैं। वैसे ही अगर चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये धारा ऐसे जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलेगा, तो इसको हम डॉट पे शो कर देते हैं, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर दिशा को मैं क्या करता हूँ, डॉट से शो कर देता हूँ, ये चुंबकीय क्षेत्र बी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी के मात्रक, तीन मात्रक हैं, इसमें से दो का हम जनरली यूज करते हैं। नंबर एक है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और सेकेंड है टेस्ला, इसको कैपिटल टी से शो करता हूँ। ठीक है, को मैं बाद में यहाँ पर प्रूफ करके बता देता हूँ। जब एक आवेशित चालक पर लगने वाले बल की दिशा को मैं शो करता हूँ, इसको नोट करिएगा, पॉज करके ये पूरा नोट करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर था, जैसे आपने स्थिर विद्युत में कूलम्ब का नियम पढ़ा था, वैसे इसमें आ जाता है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक, बायो सेवर्ट के नियम को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक धारावाहिक चालक तार ले लेता हूँ, ये ले लिया। इस धारावाहिक चाल में मैंने एक छोटा सा पार्ट ये ले लिया डीएल, इसमें धारा आई फ्लो हो रही है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले धारा की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्रॉस यहाँ पर आती है, ये मेरे पास कोण यहाँ पर कितना है थीटा। तो बायो सेवर्ट ने धारा के छोटे 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 पार्ट को कैलकुलेट किया था, उसके अकॉर्डिंग यदि यदि अल्पांश धारा वही चालक तार डीएल है तो उसके कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बीबी। तो देखिए बायो सेवर्ट ने ये बताया कि अगर अपन बहुत छोटा सा धारावाहिक चालक तार ले लें, तो इस छोटे से धारावाहिक चालक तार के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने ये बता दिया, नंबर एक dB समानुपाती I चालक में प्रवाहित धारा। तो देखिए इस धारावाहिक चालक में धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, आई। दूसरा डीवी समानुपाती
डीएल अल्पांश के कारण लंबाई, ये छोटी सी लंबाई हमने कितनी ले ली है, डीएल। नंबर तीसरा, डीबी समानुपाती साइन थीटा, थीटा डीएल और आर के बीच का कोण, यह डीएल और आर जितना कोण बनाता है उसके साइन थीटा को मैं इसमें शो करने लगता हूं। नंबर फोर्थ, डीबी समानुपाती 1/r² ठीक है। आर क्या है, बिंदु पी की अल्पांश धारावाही चालक तार से दूरी, तो यह इतनी दूरी जो आती है इसको हम क्या बोल देते हैं, आर बोल देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास चलता रहता है। इसको पॉज करिएगा, इसको लिखिएगा, नेक्स्ट पेज में मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने, तो देखिए मैंने क्या बताया था, ये गया था, ये डीएल है, ये करंट कैरिंग वायर आई है, ये पॉइंट पी है, ये यहाँ पर डीवी निकाला है हमने, ये एंगल कैसा है, थीटा है, ठीक। तो सबको कंबाइन कर लीजिए, डीवी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब मैंने इनको कंबाइन कर लिया तो डीबी बराबर, समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में परिवर्तित करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 10^-7 आती है, दैट इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस 10^-7 को म्यू नॉट अपॉन 4π के इक्वल लेता हूँ। म्यू नॉट क्या कहलाता है, माध्यम की पारगम्यता कहलाती है, इसलिए मेरे पास ये क्या कहलाता है, म्यू डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर टेस्ला कहलाती है, ठीक है। अगर आपको टोटल कुल वायर के कारण तीव्रता निकालनी होती है, ये मान लो ए और बी है, तो मैं क्या करता हूँ, बी बी को इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये बी निकल आता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जब भी बायो सेवर्ट के नियम से किसी धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वायर को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, तो यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको नोट करिएगा, एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है।